मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं, मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं। कभी बैठ कर इल्तजा कर रहे हैं, कभी बैठ कर इल्तजा कर रहे हैं, कभी हाथ उठा कर दुआ मांगते हैं। इलाही करम कर दे उम्मत पे मेरी, इलाही करम कर दे उम्मत पे मेरी, वो क्या और इसके सिवा मांगते हैं। इलाही करम कर दे उम्मत पे मेरी, वो क्या और इसके सिवा मांगते हैं। मुहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं, खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे सलामी भैन भराओ, आज तुहानू मैं एक ऐसा वजीफा, प्यारा वजीफा, इस्मे आज़मा दा वजीफा, जिन्हां नू पढ़न नाल हर काम बंदा लै सकदा उहदे कोल, ठीक है बच्चो। जदों कोई मुसीबत बंदा फस जाए, किसी मुसीबत बंदा फस जाए, ना कोई मुसीबत काबू आती हो, ना कोई नको मूँह बंदा झुल जाए, कोई बाबा काम ना आए, कोई बंदा काम ना आए, फिर बच्चो तुसी उस टाइम उस दिन रात को दो नफल नमाज इस्तगारा पढ़ के, हाजत पढ़ के बच्चो, फिर तुसी बह जाना एक तस्बीह लै के, 100 ही ले लो, 1000 ही ले लो, घट तो घट इन 4100 दा पढ़ना जाता वजीफा दसना बच्चो, किन्ना 4100। 40 दफ़ा पहले दुरूद पढ़ लो, 41 दफ़ा 41 दफ़ा बाद पढ़ लैना, या 11 दफ़ा दुरूद पढ़ लैना मेरे बच्चो, इंशाल्लाह ताला तीजा दिन नहीं चढ़ेगा ताड़ी मुश्किल दूर हल हो जाएगी, दफ़ा दूर हो जाएगी मुश्किल ताड़ी, तुम दसदा। तो पढ़ना बच्चो तुसी की है पढ़ना, तुसी या हयो या कयूम या जुल जलाले वल इकराम, बच्चो की पढ़ना है, या हयो या कयूम या जुल जलाले वल इकराम, 41 दफ़ा अगे दुरूशी पढ़ना है, 41 दफ़ा पिछे दुरूशी पढ़ना है, पढ़ने तो बाद ते बच्चों तुसी इहदा तकरार करना, बह के तस्बीह लैके गिन के, या हयो या कयूम या जुल जलाल वल इकराम, या हयो या कयूम या जुल जलाल वल इकराम। लो बच्चा इनू हर खास आम बंदा इनू पढ़ सकता है, बेखौफ कोई इहदे च खौफ खाने वाली गल नहीं, ठीक है। हर इंसान जिन्हों भी परेशानी बच्चा हो पढ़ सकता, ठीक है। लो बच्चो ऐ तुहानू तुसी इहनू पढ़ के अपनी मुश्किलां दूर करो, बाबे आप नू फिर दुआ देना, तो इंशाल्लाह बाबे आप नू याद करोगे। लो बच्चो अगर तुहानू वीडियो प्यारी लगे तो फिर तुसी इहनू सबसक्राइब भी करना है, शेयर भी करना, लाइव करना है, और अगर कोई मसला मसाल होवे तो व्हाट्सएप नंबर तुसी अपना सवाल कर सकदे जे, तो इंशाल्लाह तुहाडा मैं उहदा हल करां कोई ना कोई। लो फिर बच्चो, अस्सलामु अलैकुम जी।